दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां जोरों पर हैं, चुनाव को लेकर तमाम स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी हों, महंत योगी आदित्यनाथ हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हों, इसके साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, इसके साथ बड़े नेता नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, तमाम नेता मैदान में हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो खैर मैदान में नहीं है, इनके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम नेता मैदान में हैं। इन नेताओं की रैलियों का असर क्या होता है? स्टार प्रचारक आते हैं तो जो मतदाताओं पर उनकी क्या अपील का असर जाता है, कुछ इस मुद्दे पर चर्चा में हूं। मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, स्टार प्रचारक का क्या असर जाता है जनता के बीच? देखिए, पहले बड़े नेता बाई इलेक्शन में तो आते ही नहीं थे, प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, और स्टेट के अंदर भी असेंबली चुनाव होते थे तो कभी कभार एक दो बार, अब तो बार बार। और चुनाव जैसा कि अभी लोकसभा के चुनाव हो गए, गुजरे हैं, अब विधानसभा के आ गए, वही नेता, वही उनके विचार, वही भाषण घिसा पिटा, वही अपील, तो इसका असर कुछ नहीं। भीड़ को जुटाया जाता है, लाद के लाया जाता है, वो उनमें भाषण दे लेते हैं, वो उसमें भाषण देते हैं, स्टीरियोटाइप जी। अच्छा, दूसरा, हर किसी को उनके उद्गार विचार पता होता है, वो सबको पहले से जानकारी है, क्योंकि वही सबको पता है ये क्या बोलने वाले। बिल्कुल, अगर हुड्डा जी आएंगे तो बुराई करेंगे, दो बीजेपी की अपनी दो बढ़ाई करेंगे और वोट मांगेंगे, नेचुरल। बीजेपी के लोग आएंगे तो वो अपनी सरकार की 10 साल की तारीफ करेंगे, एक मौका मांगेंगे। नहीं, एक और है, 10 साल की तारीफ करने के बजाय पिछले गड़े मुर्दे ज्यादा उखाड़ते हैं, नेहरू जी के जमाने से लेके, और बस वो बताया ना मैंने। चलो, एक रटी लड़ाई सुरजेवाला जी, मैं आपसे कह रहा था जी कि कितना असर होता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जी दक्षिण हरियाणा की 22 विधानसभा सीटों को साधने के लिए जी, नेता साधने ही आते हैं जी, पलवल, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ी, तमाम प्रत्याशी वहां आए हुए थे। रैली हुई थी वो प्रथला विधानसभा क्षेत्र में जी, गदपुरी टोल पर, पलवल सड़क के ऊपर, बिल्कुल सड़क के ऊपर थी। कितना असर माने प्रथला विधानसभा पड़ेगा उसका? देखिए, पहले असर पड़ता था, और 2014 में मोदी जी जाते थे तो मोदी लहर भी मानी जाती थी और प्रभाव भी था। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कहा ना कि भी लोग उन सब बातों से, ये जो चलता है ना चुनाव के अंदर, उनसे सब उब जाते हैं लोग, वो वही बातें वही, और सबको पता है। हाँ, ये जरूर है, मोदी जी का एक खासियत है, ये नए रूप में आने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना वो गाड़ियों के मॉडल आते हैं कि नए अवतार में, तो नए अवतार में आने की भले ही कोशिश करते हों, लेकिन मुद्दा वही। हरियाणा में चौथी रैली थी प्रधानमंत्री की जी, एक रैली में 22 कैंडिडेट बुलाए गए, तो 88 कैंडिडेट के लिए माने तो जी चुनाव प्रचार हो गया। मैंने कल, सुरजेवाला जी, कल पहली बार पलवल की जो रैली थी जी, उसमें मोदी मोदी के उद्गार बहुत दिन बाद सुने जी। चुनावी सभाओं में पहले वो करता था मोदी मोदी मोदी, वो लोकसभा में भी इतना नहीं था जितना कल मैंने जरूर सुना हूँ बहुत दिन बाद। ऐसा है कि ये पहले क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ था, और हमारे क्रिकेट के कप्तान थे धोनी। हाँ, जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए और उनका जो हेलीकॉप्टर जो स्टाइल था बैटिंग का, और उनके बारे में एक और खास बात थी, वो हारे हुए मैच को जीत में भी कन्वर्ट करने की उनमें कला थी। हाँ, बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं। हाँ, तो उनके बारे में ये होता रहा कि धोनी धोनी। हाँ, ये वहाँ से चला, और ये मोदी जी ने भी उसको, उनके जो प्रशंसक है, उन्होंने इसको अपना मोदी मोदी। अब वो मैं नहीं समझता, पहले हर हर मोदी भी था, हर हर मोदी था, हर मोदी, अब ये छूट जाएंगे कुछ समय के बाद, लोग उब जाते हैं। हाँ, एक टाइम होता है इस चीज का। हाँ,
कल प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया वहाँ पर जी, बहुत सारी बातें थी भाषण में, बहुत सारी बातें थी। उन्होंने भाषण के अंदर अपने तमाम जो भी मुद्दे जोड़े, उन्होंने कहा कि हरियाणा नॉन स्टॉप और सैनी सरकार फिर से और भरोसा दिल से भाजपा फिर से, नारे लगवाए तीन तीन चार चार बार जो उनका स्टाइल है, और वो सारी बातें जो वादे किए ये वो। एक चीज़ और थी कल उन्होंने कहा जी कि मैं अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, नायब सैनी की जी, इसलिए लोग गाली देते हैं मुझे जी। ये उन्होंने पीछे भी कहा, ये एक प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। अमेरिका में भी जा करके मेरी माँ बर्तन मानती थी, भावुक हो गए, रोना धोना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री इनसे ज़्यादा गरीब घर से पैदा हुए थे, कभी उन्होंने नहीं कहा, और देश आज भी उनका मान सम्मान करता है। गुलजारीलाल नंदा गरीबी में ही मर गए, गरीबी में क्या, उसे एक छोटे कमरे में पंजाबी बाग, हमारे क्षेत्र से वो सांसद रहे हैं, कैथल से दो बार रहे, रेल मंत्री रहे, कभी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इनसे ज़्यादा गरीब घर से पैदा हुए, कभी रोना नहीं रोया। भाई इस तरह का रोना रो के और ये इस बातों से लोग उब चुके हैं। और एक बात पूछ रहा हूँ, इतने गरीब घर से पैदा होकर के, डिजिटल कैमरा भी था उनके पास, जबकि उस जमाने में 1980 के दौर में वो ईमेल भी करते थे, उनके पास स्कूटर भी था, और वो उन्होंने 35 साल भिक्षा भी मांगी, माँ बर्तन मानती थी, तो क्या वो उन्होंने 29 देशों का भ्रमण भी कर लिया? भिक्षा मांगने वाला आदमी 29 देशों का भ्रमण करेगा? रेल के डिब्बे में चाय भी बेच ली, तो बाद में किया ना, अरे 35 साल उसमें किया, बाकी पढ़ाई की, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पर आप उम्र देख लीजिएगा बना करके, भाई 35 साल भिक्षा मांगी, 20 साल प्रधानमंत्री जो करते हैं जैसे इन्होंने कहा, ये शोभ नहीं है, नहीं ये इमोशनल अपील होती है कि भाई इससे लोग शुरू में 2014 में शुरू में लोग भावुक हुए, कुछ उनकी बातों में आए, बट एक देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं तो कम से कम ये कहता हूँ ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ये उल जुलूल की बातें और इस तरह का, आप अपना रोड मैप बताइए, आप अपना विजन बताइए, आप अपनी प्लान बताइए, देश को आप अपनी नीति निर्धारित कीजिएगा, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करें। आज भी नेहरू जी को कोस रहे हैं, आज भी ये कांग्रेस वाले ये इस तरह की बातें करके, ठीक है जनता ताली पीट लेती है, जहाँ आपने कहा मोदी, दूसरी तरफ ये भी है नारा, घर घर मोदी, हर हर मोदी बातें, तो ये भी है हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, विपक्ष वाले नारे लगाते हैं, वो सबका लग रहा है, चलता है। पर ये दोनों तरफ से ये बातें अच्छी नहीं है, और इन बातों से उठ कर मतदाताओं को भी और हम सब लोगों को ये चाहिए कि भी क्या नीति हो, किस तरह से देश में क्या हम, हमारा विजन है, क्या हम काम करेंगे, क्या हमने किया। सुरजेवाला जी एक अंतिम सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अति पिछड़ी माँ के कोख से पैदा हुआ जी, यानी कि उन्होंने बताया कि मैं, माँ कैसे पिछड़ी होगी, माँ पिछड़ी जाति से हो सकती है, तो अगर उनका ये शब्दावली है तो ये तो मेरे तो समझ से बाहर है, अति पिछड़ी माँ, अति पिछड़ा वो वर्ग कह सकते हैं। हाँ चलिए उसको ये मान लें, अति पिछड़े वर्ग से इनकी माँ, पिछड़े वर्ग से जोड़ते हैं, हाँ मुख्यमंत्री को भी जोड़ रहे हैं जी। एक तरफ बात आती है सबका साथ सबका विकास जी, फिर दूसरी तरफ ये जाति धर्म छोटा, अब वही तो कह रहे हैं ये इस तरह का। इधर एक राहुल गांधी ने चला दिया लंबे टाइम से जी, जाति जनगणना जी, सबकी जाति बताओ जी, इतने दलित, कितने ओबीसी जी, खिलाड़ी ओबीसी क्यों नहीं है जी, पत्रकार दलित क्यों नहीं है, कहाँ ले जा रहे हैं ये बड़े नेता राजनीति। ऐसा है, देश जब आज़ाद हुआ तो लग रहा था कुछ बुराइयाँ कुरीतियाँ जो हैं उनसे हम छुटकारा पाएंगे, और ऐसी सोच थी हमारे नेताओं की भी, उनका जो चरित्र था वो भी यही दर्शाता था, और चला वो दौर। अब धीरे धीरे जैसे राजनीति में ये सारी बातें घर कर गई, और वोट की राजनीति और ये जाति धर्म, ये अब मैं तो ये कहूँ 2014 के बाद तो ये और फैला है, और इसमें विस्तार हुआ है, ये घातक है देश के लिए भी, समाज के लिए भी, मानव जाति के लिए भी। ये चीज़ें जो है ना, हमारे नेता भले कुर्सी के लिए ये ऐसा कर रहे हो छोटे से बड़े तक, लेकिन वो बहुत गलत है, हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। मैंने कहा कि वो बताएं देश की क्या दिशा हो,
दूसरे देश में आज देखिएगा, इंग्लैंड में सुनक थे, उन्होंने भी इस्तीफा एक मिनट में दे दिया। अभी पिछले दिनों जापान में भी जो प्रधानमंत्री थे, एक मिनट में कुर्सी से अलग हो गए। ऐसा क्या कुर्सी से लगाव है कि भाई हमने चिपक के रहना है और इसको हम आजीवन इस पे बरकरार रहेंगे, चाहे उसके लिए कितने पापड़ बेलें हम, कितना झूठ कपट मक्कारी, ये इस तरह की बातें, ये कोई अच्छी बात है? मतदाताओं को इस अपील को मानना चाहिए जो नहीं मानना धर्म पिछड़े की पकड़े की बात करते हैं? मतदाता भोला है, कई बार बहक जाता है। अब कई चीजें हैं, वैसे इन चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। चुनाव जब चलता है तो चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर, मैंने आपको बताया, सभी इसमें प्रधानमंत्री सब नंगे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ा गरीब पिछड़े वर्ग के से, राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना, कितने एससी कितने बीसी कौन, पत्रकारों में भी गिनते हैं, हीरो हीरोइन में भी गिनते, सब में गिन लेते हैं। चुनाव के वक्त में मतदाताओं को खासकर देखना चाहिए कि क्या ये जाति और धर्म के नाम पर आधारित होकर के वोट देने से समाज का भला होगा। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद।